स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश हैं, ठीक है, और 400 शार्क्स और 10 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। दुनिया के बड़े बड़े अंडर वाटर जो जूज हैं, एक्वेरियम्स हैं ना, उनमें से ये एक है। और ये है जी दुबई मॉल में, और दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। तो यानी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जगहों पर आए हैं आज। तो शुरुआत हमें लाइन में खड़ा करें जबकि हमारे पास टिकट हैं, तो चले चलते हैं। यस, मिशू तो डर गया बेचारा, उसको ये लग रहा है कि अंदर जाएंगे तो फिश आ जाएंगे, शार्क्स आ जाएंगे। बहुत समझाया लेकिन ना डर रहा है फिर। मिशू डर रहा है अभी क्योंकि उसको अंदर जाना पड़ रहा है फिशेस के साथ। ओ, एक वो आते ही एक फिश ऊपर बैठी हुई है। टनल में आ गए और इस टनल में हमारे सारी तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, और ये शीशे का टनल है और इसमें से हम सारी सी लाइफ देख सकते हैं। ये देखिए मेरे, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है, आप आगे आगे देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और ये वाली वीडियो मैं दोनों अपने चैनल्स पे, नौश ब्लॉग्स, नौश किचन रूटीन, दोनों पे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ एक एक ही चैनल को देखते हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। इसका जो टिकट था ना, एंट्री टिकट, वो है अगर आपने पेंगुइन्स के साथ लेना है तो 235 का है, अगर पेंगुइन्स का देखने के बगैर आपने लेना है तो वो टिकट तकरीबन 139-140 पर पर्सन टिकट है। वैसे 179 का है लेकिन इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है तो 139 की। तो खैर जी, यहाँ पे क्रोकोडाइल देखने के लिए भी हम लोग गए। यहाँ पे अंडर वाटर जू है और टिकट में ये इंक्लूडेड है। इसके अंदर सारी वो ज़्यादातर क्रीचर्स हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और पूरी दुनिया में ना ख़त्म होती जा रही हैं, और दुबई अपने इस एक्वेरियम में, अंडर वाटर जू में रख के उनको ब्रीड करवा रहा है और कोशिश कर रहा है कि उनकी नस्ल को बचाया जा सके। तो ये देखिए सारी कितनी खूबसूरत टनल्स बनी हुई हैं और ऊपर पानी ही पानी है और सारी फिश वगैरह हर जगह फिर रही हैं। 400 शार्क्स, तरह तरह की शार्क्स भी देखने को मिली थी। नजर आए थे हामी और मिशारी। वो थे हामी, माफी मांग रहा है मिशारी से कि प्लीज माफ कर दो मिशारी। बट मिशारी इज सो अनफॉरगिविंग, है ना मिशू? कितनी प्यारी है। ये रियल पानी नजर आ रहा है, रियल पानी। ये पता नहीं क्या चीज़ है। एक्सेलोटल है। अच्छा? इस वाले कैप्सूल में रहता है। एक्सेलोटल फ्रॉम माइनक्राफ्ट। यस, ये का पानी है ये ऊपर से खाली है। बट ना मुझे ना मिशन कम ही है। कम है, मैं जंप करूं। हां, जंप करके ते हामी तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहा था, इवन हम भी इंजॉय कर रहे थे। शुरू में मिशारी डरा हुआ था लेकिन अब आके वो भी माशाल्लाह से इंजॉय करने लग गया। तो ये देखें स्माइलिंग फेस फिश। ये सारा शीशा, इतना थिक शीशा है ये ना, इसके ऊपर से कोई फिश ऊपर से आके खा ले, है ना, हाथ मार ले। ये फिश जो है ये शाइन कर रही है। वाओ, ग्लो इन द डार्क फिश, ग्लो इन द डार्क फिश। दुबई की एक बात बहुत अच्छी है, हम चूँकि बच्चों वाले हैं ना तो हम ऐसी एंटरटेनमेंट्स ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर सकें। तो हम तो बड़े हैं, हमारा क्या है, लेकिन जिस भी जगह पे जाते हैं चाहे वो बच्चों वाली हो, बड़े भी खूब इंजॉय करते हैं। मुझे नहीं लगता था कि एक्वेरियम जाके पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी क्योंकि मैं पेट्स की और ये एनिमल्स वगैरह की इतनी कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी खूब इंजॉय किया। This one is holding in the shell. Oh.
सुना है यहाँ के पेंगुइन्स ना बड़े मूडी हैं और बड़ा मतलब मजा आता है उनसे मिलने का, तरह तरह की शरारतें करते हैं। लेकिन अभी ना वहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, इस वजह से हमने टिकट्स में इंक्लूड नहीं कराए, क्योंकि तिहामी को अभी भी हल्की हल्की खांसी सी आती है। ये कैसा है, इतना खौफनाक लग रहा है, ये वाइट टर्टल और ये अलाइव है। इस वाले की नेक कितनी लंबी है, ये दोनों एक नॉर्मल किस्म के टर्टल्स हैं, ये एक्स्ट्रा वाइट और इतना बूढ़ा सा लग रहा है, और इसकी नेक कितनी लंबी है, वो ये हिल रहा था, ये देखो, ओह माय गॉड, वो इतनी लंबी नेक। ये कैसे कलर्स के फ्रॉग्स हैं, मैंने कहा यहां भी है। अब हम आ गए हैं दुबई के नाइट क्रीचर जोन में। दुबई में जितनी भी नाइट में जागने वाली अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूकात है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत खूबसूरत जगह है देखने के लिए, अगर आप यहाँ पे रहते हैं या यहाँ विजिट करने आए हैं तो ज़रूर इस जगह को देखें। ऐसा क्या है इनके अंदर तिहामी, ऐसा क्या है इनके अंदर, हाँ वो देखिए अंदर कितने छोटे छोटे उनके बेबीज हैं। ये उस बॉक्स में बेबीज हैं और ये सी हॉर्सेस हैं, बड़े वाले एडल्ट सी हॉर्सेस। देखिए अभी देखिए लटका हुआ है अपनी, वो वाला देखिए अपनी टेल से लटका हुआ है, वो देखो तो है ये वाला अपनी टेल से लटका हुआ है। टाइनी लॉबस्टर, ये अंधेरे में इतना नजर ही नहीं आ रहा, लॉबस्टर के इतने लंबे लंबे ना धागे लगे हुए, इतने लंबे लंबे इसके आगे, आपको वाजे आएंगे क्रिकेट की। हम लोग आए हैं यूएई नाइट क्रीचर जोन में और यहाँ पे जितनी सारी दुनिया जहाँ की लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रिकेट्स, हेजहॉग्स, अजीबोगरीब लिजर्ड्स, रैट्स, रोडेंट्स, हर तरह की चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रही है। शारी कब से लिजर्ड्स का पूछ रहा था, मिशो लिजर्ड, वो देखो तेरे स्टोन के नीचे जाना चाह रहा है, दैट वन मिशो, इट हैज स्पाइंस ऑन इट। आपने तो स्नेक बिठा लिया था अपने शोल्डर, बड़ा है ना, एनाकोंडा था। तिहामी नाइट पिक्चर्स वाला कैसा लग रहा है, ये देखो ये ब्लू कलर का स्कॉर्पियन है, और जो ब्लू और येलो जो होते हैं ना स्कॉर्पियन, बिच्छू जिन्हें हम बोलते हैं, शरारत बता रहे थे कि पाकिस्तान में इनकी जो कीमत है ना वो 2 से 2.5 करोड़ पर स्कॉर्पियन है। तो जस्ट इमेजिन कि कितने एक्सपेंसिव हैं ये, और यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ ये 2 ही रखे हुए हैं। जो नाइट क्रीचर जोन है वहां से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ से 1-way ट्रैफिक जारी होती है, एक टाइम में 2 लोग नहीं गुजर सकते, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं कि बस यहीं से एंटर हो और दूसरी साइड से बस एग्जिट ही कर सकते हैं। तो बहुत मजा आ रहा था इसके ऊपर वॉक करके, एक बार मैंने लाइफ में पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में सस्पेंशन ब्रिज पे चल के देखा हुआ, उस पर तो बहुत डर लगता है क्योंकि उसके नीचे इतना बड़ा रिवर होता है, लेकिन ये तो बस 1-2 फ्लोर्स ऊपर था तो इसलिए डर नहीं लगा। फाइनली हम यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है क्रोकोडाइल, उसको देखने के लिए आ गए हैं, और ये दुनिया के बड़े बड़े जो क्रॉक्स हैं उनमें से एक है। तो खैर फिलहाल हम लोग ये स्कल्स वगैरह देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हर जगह पे जिस तरह के क्रॉक्स होते हैं उनकी स्कल्स उन्होंने बना के रखी हुई हैं।
ये देखें जी, ये है 16 फुट लंबा क्रॉक। ये जो बड़े साइज का नजर आ रहा है ये मेल क्रॉक है और इसका वेट है 740 kg, 740 किलोग्राम, और यानी कि 5 मीटर लंबा क्रोकोडाइल है। और ये 40 साल की इसकी एज है इस क्रोकोडाइल की। ये जो दूसरी फीमेल क्रोकोडाइल है इसकी एज है 90 साल, 90 ईयर्स की है ये। और ये जो किंग क्रॉक है ना, इसका एंगर इशू इतना ज़्यादा है, टेम्परमेंट इशू इतना ज़्यादा है कि ये दूसरे जो क्रोकोडाइल अगर कोई मेल है ना तो ये उनके साथ रह ही नहीं सकता। इस वजह से इन लोगों को अलग-अलग रखा जाता है और इनकी भी जो है ना, ये भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो इसलिए इनकी भी जो नस्ल है इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा है देखने में ना, दूर से तो छोटा सा लगा है, जाहिर है कैमरा है ओरिजिनल आंख से तो नहीं आप अभी देख पाए हैं, लेकिन ये मैं आपको नीचे जाके भी दिखाऊंगी, ये बहुत बड़ा है, सोचें 16 फुट लंबा। ये सारा नीचे क्रोकोडाइल है। हाँ जी, नीचे गिरोगे वो आपको खा जाएंगे, वो देखो नीचे, ये नीचे क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, क्रोकोडाइल के ऊपर से। कैसे कैसे ऐसे ऐसे उमा, फिर आप नहीं गिरना, आपका अपना नुकसान होगा। इस किंग क्रॉक को देख के ना एक नई सी एनर्जी आ गई थी दोनों बच्चों में, सुपर एक्साइटेड हो गए थे और इनफैक्ट हमने भी बहुत इंजॉय किया इनको देख के, बहुत हम हैरान होते रहे। बहुत बहुत लंबे हैं ये और बहुत ही मोटे, बड़े मोटे ताज़े क्रॉक्स हैं। कितने खूबसूरत कलर्स हैं माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। वैसे देखा जाए अल्लाह की कुदरत है, ये इतने खूबसूरत। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ें एक तो ये वाली कलर्ड फिश थी और दूसरी ये थी जो जेली फिश। यहाँ पे ये ओरिजिनल कलर इसका नज़र आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने लाइट्स लगाई हुई है जिस वजह से ये इतनी खूबसूरत लग रही थी और ये बार बार ब्लू पिंक इस तरह से होती रहती थी डिफरेंट कलर्स की वजह से, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा तो यहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा था। ऐसी हैं, ये ऐसे स्टोन की तरह बस खड़ी हैं, हम गए थे तो भी ऐसे खड़ी हैं, वापस आए हैं तो भी ऐसे खड़ी हैं, ये हिलती ही नहीं है। ये देखें जी, ये हिलती ही नहीं है। क्यों नहीं हिलती है? वैसे हम ऐसे खड़े हैं, वैसे ही ऐसे खड़ी हैं। ले जी, हाँ बिल्कुल सही आंसर, ये है रेन फॉरेस्ट। इन फिश का स्केलेटन नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं कितनी ट्रांसपेरेंट है, ये लिटरली स्केलेटन नजर आ रहा है, स्केरी है ना। हां जी, हेलोवीन हेलोवीन फिश, कितने प्यारे हैं, लाइन में खड़े हैं और ये शाइन कर रहे हैं। मिशो दिस वन, लुक एट दिस वन। अब हम लेने लगे हैं एग्जिट।
एक्वेरियम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं और खाने का डिपार्टमेंट तो हम ही गए थे, हम ही इधर आए थे। आज तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। दुबई मॉल अगर सोचा जाए, वैसे इसमें हम जाते हैं, लेकिन अगर ये सोच के जाएं कि दुनिया के सबसे बड़े मॉल में आए हैं तो कितना अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद हमने दुनिया के बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स में से एक क्रोकोडाइल हमने देखा। फिर उसके बाद ये देखें कि LED स्क्रीन दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन है और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। 1.7 बिलियन पिक्सल से बनी हुई है। और दुनिया की जो एक्सटिंक्ट क्रीचर्स हैं वो हमने देखी हैं। बहुत बहुत अच्छा फील हुआ है। अब हमने फाइनली दुबई को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। इंशाल्लाह आपको और भी जगहों पे लेके जाएंगे। खैर, फूड कोर्ट तो वहाँ पे पूरी तरह से फुल था, बैठने कोई जगह नहीं थी। हमने सोचा सिटी सेंटर मिर्दिफ आ जाते हैं, मिर्दिफ मॉल में आए और हमने खाना वगैरह खा लिया। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।